जैसा कि ये सेकंड पार्ट है, इसमें मैं आपको बीच का बताऊंगा कि इसमें मतलब लास्ट होगा ये हमारा सेटअप का, किस तरीके से सेटअप करना है, कौन सी फाइल को कहाँ पेस्ट करना है, ये होगा बस इसमें। और अगला जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें आपको तो बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कनेक्शन करना है, अपने ब्लूटूथ डिवाइस को किस तरीके से कनेक्ट करना है। तो गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हर एक व्यूअर से रिक्वेस्ट है गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गाइस आपको चैनल को सब्सक्राइब करने में सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड लगता है, बस आपको टैप करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है गाइस। इसमें ना आपके कोई पैसे लग रहे हैं, प्लीज गाइस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें गाइस, फ्री में ही तो हो रहा है, कोई पैसे तो नहीं लग रहे आपके, प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस आगे चलते हैं आप और आपको समझाते हैं किस तरीके से करना है, सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आपको क्या करना है, इसे कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो देखो दोनों 200 हो गए, तो एक 200 को क्या करना है, 200 की जगह 201 लिख देना है आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ 201 लिख दिया और यहाँ पे फाइल पे आके आपको सेव कर देना है, ठीक है गाइस। तो आपको सेव कर देना है, तो ये सेव हो चुका है। तो अब थोड़ा वेट कर लेते हैं, तो शायद अभी से ही कुछ दिखाने लग जाएगा, ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो गाइस मुझे कुछ इसमें ऐसा सा लग रहा है कि मतलब मैंने कुछ गलत करा, एक मिनट चेक कर लेते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं पहले, ठीक है। क्योंकि मैंने इतना तो मुझे पता है कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन थोड़ा वेट कर लेते हैं, इसमें अभी और काम करना बाकी है। अगर ये बढ़ने लग जाए तो ये मत समझना कि काम हो गया, अभी और काम बाकी है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं हम। तो इसको मैंने सेव नहीं किया था क्या, हाँ सेव कर दिया था, फिर से कर देते हैं एक बार। तो मैंने कर दिया है सेव, गैस यहाँ पे जो हमने एक और डाला है ना, तो इसका मतलब ये है अभी यहाँ पे हम उसे चेंज करके वहाँ पे तोशिबा लिखेंगे। अभी तो बस हमने यूँ ही इसे पता लगाने के लिए उस पर लिख दिया, 21 लिख दिया। अभी आप देख सकते हैं, अब आपको नीचे आना है, देख सकते हैं एडिशन 2010-11-29 जो लिखा हुआ है इसके सबसे नीचे में आना है आपको, और वहाँ पर 201 करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं बढ़ने लग गया गैस, ज़्यादा खुश होने की वैसे ज़रूरत नहीं है, मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ था इसमें, ठीक है। तो ये बढ़ रहा है गैस, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है गैस, मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, प्लीज़ गैस मैं हर एक व्यूवर से कहना चाहता हूँ भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, आपको 1 सेकेंड भी नहीं लगता सब्सक्राइब करने में, बस आपको क्लिक करना होता है। और मेरे को बहुत मेहनत से वीडियो एडिट करना होता है, फिर उसमें वॉइस अलग से डालनी पड़ती है गाइस, बहुत काम होता है, खुद मैं ही करता हूँ, मैंने कोई दूसरे बंदे नहीं रख रखे। प्लीज़ गाइस बस आप इसी तरह सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें गाइस, मैं हर एक व्यूवर से कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, और आप लोग फिर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फिर मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा फिल हो गया है, लेकिन अभी ये ओपन नहीं होगा क्योंकि इसमें अभी और काम करना बाकी है, इसमें आपको कॉपी पेस्ट भी करना है, वो आगे बने रहे, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। गाइस मैंने पिछले वाले पार्ट में आपको बताया था कि आपको कहाँ से क्या चीज़ कैसे करना है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखें, जब भी आपको समझ में आएगा, नहीं तो कोई न्यू बंदा आएगा तो बोलेगा पता नहीं इस वीडियो में क्या चल रहा है। अब ये पार्ट में तो मैं आपको एकदम फिनिश करके बता दूंगा, इंस्टॉल करके पूरा। अब अगले वाले पार्ट में आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से इसे कनेक्शन को स्टेबल कर सकते हैं अपने फ़ोन में, अपने ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो गाइस टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है और अब हमें करना चाहिए आगे, फिर भी थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, 97% कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं हल्का सा सिर्फ बचा है, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं तो हल्का सा वीडियो स्किप कर दें, ज़्यादा ना करें, क्योंकि मैं स्किप नहीं करूँगा, अगर मैं यहाँ स्किप करता हूँ वीडियो फिर कोई बंदा कमेंट में आके बोलेगा भाई तूने पीछे जाके कुछ कर दिया, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो देखी थी तो उसने गलत बनाई थी, इतना तो मैं कहूँगा, क्योंकि उसने पीछे जाके कुछ कट किया था, वो साफ साफ पता चल रहा था। तो ठीक है गाइस, तो मैं आपको बताता हूँ अब, तो आपको देख लेना है आपका कर्सल कहाँ है, कहीं और आपने टाइपिंग करना शुरू कर दिया, ऐसा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी भी ब्लूटूथ नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 21 कर दिया है, आपको भी 21 कर देना है, यहाँ पे 21 की जगह हम अभी फिर से नाम चेंज करेंगे, ठीक। तो थोड़ा नीचे करना है आपको, और नीचे करना है, और नीचे करना है,
फिर आपको यहाँ देख सकते हैं आप लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उसको आपको थोड़ा ऊपर करना है, सॉरी नीचे करना है। हाँ देख सकते हैं आप यहाँ पे एडजेशन लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे आ जाओ आप 200 पे, ये भी है ना 199। आपको ध्यान से देखना है मैं क्या कर रहा हूँ, आप में भी सेम टू सेम इसी तरीके का खुलेगा, ठीक है। तो आपको पहले देख लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देख लो पहले कि नोटपैड में कौन सा सेम डिजिट होगा आपके पास भी, बस आपको ध्यान से देखना है मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो आपको इस वाले पे आ जाना है नीचे, ठीक है। तो आप देख लो मैं किस वाले पे से आया हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 201 सबसे लास्ट वाला है, इसको आपको मिटा देना है। ओ शिट, ये कुछ ज़्यादा ही मिट गया, एक मिनट में से डज नॉट सेव कर देता हूँ। ये क्या आ गया, ओ तो इसको मैं यस कर देता हूँ, एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे ये आ चुका है, ठीक है। तो मैंने कुछ गलती कर दी थी, तो मैं इसे डबल टैप करके ओपन करता हूँ, ठीक है। तो इसे मैंने डबल टैप करके ओपन कर लिया। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब आप ध्यान से देखें, अब वीडियो स्किप मत करना कि आप कर रहे हो। अब मैं काम की चीज़ बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टैंडर्ड लिखा है, ठीक है। स्टैंडर्ड से आपको याद आ जाएगा कि इसके नीचे कुछ करना है छेड़खानी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। अब गाइस आपने नोटपैड बंद तो नहीं किया ना नीचे में, कहीं आप सोच रहे हो इतनी देर से क्या करवा रहे हैं, नोटपैड बंद कर देते हैं, नहीं करना है नोटपैड बंद। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके ओके नीचे आना है आपको। यहाँ पे जहाँ पे आपको 200 मिल जाए ना, उसके नीचे एक और आपको लगा देना है 201 का, ठीक है। किसी के भी नहीं, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसे कॉपी कर लेते हैं पूरे को। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, ओके। अब मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैंने कर दिया यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। आया ही नहीं, आ गया आ गया आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 201 लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने वो कॉपी किया था अपने मॉड्यूल का नंबर, जब हम अनइंस्टॉल मार रहे थे डिवाइस मैनेजर से, वहाँ से जो कॉपी करके नोटपैड में रखा था उसे यहाँ पे करना है। तो मैं बैक स्पेस से इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। और आपको नोटपैड में आ जाना है, फिर नोटपैड में आने के बाद ये वाला, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिख रखा है, तो इसे कॉपी कर लेना है। ओ शिट गलत हो गया, हाँ कंट्रोल सी से आप कॉपी कर लेना और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना। तो अब इसे डबल टैप करके वापस ओपन करेंगे, एक मिनट मैं पहले ये देख लेता हूँ। ये रहा हमारा नोटपैड, नहीं डबल टैप करके ओपन मत करना, हाँ वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने ऑलरेडी नोटपैड में ओपन कर रखा था इसे। तो आपको वापस से उसी पे चले जाना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो जैसा कि मैंने पेस्ट कर दिया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है ध्यान से, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसे, अब आपको नीचे करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड लिखा है ना, अब इसको नीचे आना है आपको। ध्यान से गाइस सुनो, ध्यान से और ध्यान से देखो, अगर इसमें कुछ आप मिस्टेक कर देते हो या ऊपर नीचे लगा देते हो तो फिर वो उसे ड्राइवर फाउंड नहीं होगा, फिर यही ओके वाला प्रॉब्लम आएगा, है ना। तो मैंने आपको जैसा बता दिया है, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ पेस्ट भी कर दिया। अब आपको देख लेना है इसके नीचे क्या क्या लिखा हुआ है और यहाँ से नीचे आना है। अब गाइस मैं इसे नीचे करता हूँ, एक मिनट में थोड़ा वेट कर लेता हूँ यहाँ पे, क्या पता यहाँ से हो जाए ओके, ठीक है। आपको मैं बता दे रहा हूँ कैंसिल और ओके के बटन को नहीं करना है। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर आप लोग देख ले गाइस, मैं आराम आराम से इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आप बोर ना हो, बोर तो हो रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन आपको ध्यान से देखना है क्योंकि मैं जल्दबाजी में बता दूँ तो आप फिर बार बार देखेंगे स्लो करके भाई कौन सा चीज़ कहाँ था, है ना। तो इसलिए मैं आपको आराम से एकदम सही तरीके से बता रहा हूँ। तो आपको इसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, तो थोड़ा आप वेट कर सकते हैं वैसे, और वैसे हमने बहुत वेट कर लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, तो ये अभी तो 150 पे ही है, तो 200 आ गया, ठीक है। अब आपको 200 के नीचे एक एक्सटर्नल लगा देना है, तो इसे आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है पूरे को, ठीक। पूरे को कॉपी करने के बाद यहाँ से कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके नीचे एंटर प्रेस करके कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप पहले हटा दो यहाँ से, इसको मैं यहाँ से कट ही कर देता हूँ, ठीक है। नहीं करा मैंने कट, क्योंकि हमें कुछ और भी कॉपी करना है। तो इसको मैं यहाँ से बैक स्पेस से हटा दिया मैंने। नोटपैड में वापस आते हैं और ये हम इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने इसे कॉपी कर लिया यहाँ पे। कॉपी करने के बाद अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपको इसे पेस्ट कर देना है। तो ये हो गया आपका पेस्ट, ठीक है। तो अब मैं आपको कह सकता हूँ कि आपने 80% काम कंप्लीट कर लिया है गाइस। जब तक ये जो नोटपैड का चक्कर है इसे पूरा नहीं करोगे, तब तक ये जो है फिनिश नहीं होगा। इसलिए आपको
जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना है। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा वेट करना है क्योंकि तुरंत तुरंत करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। चलो कोई नहीं, हमने वैसे पहले बहुत वेट करा था, तो आपको नीचे आना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत कुछ है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा मैं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ इसलिए आपको समझ में आए, नहीं तो मैं भी बहुत जल्दी जल्दी कर सकता था पेस्ट, लेकिन नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 178, वापिस हमें 200 पे आना है सबसे लास्ट में। बस ये गाइस लास्ट काम है, बस लास्ट कमांड है ये हमारी। अब हमें कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे हमें सिर्फ तोशिबा लिखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। और ये बात याद रखना, जो ऊपर में कोमा लगे हैं ना छोटे छोटे दो, इन्हें नहीं मिटाना है, इन दोनों के बीच में तोशिबा हमें लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तोशिबा लिखता हूँ, ठीक है। तो मैंने सारा ही मिटा दिया, सॉरी, कोई बात नहीं, वो वापस हम ले आएंगे। तो यहाँ पर पहले मैं तोशिबा लिख देता हूँ। तो पहले तो मुझे कोमा लाना पड़ेगा, कोमा कहाँ से लाऊँ, कोमा यहीं से ले आता हूँ। ओहो गलत हो रहा है, एक मिनट है ना, मैं ऊपर वाले को कॉपी कर लेता हूँ। किसी को भी आप कॉपी कर लो ऊपर और यहाँ पे लाके उसे पेस्ट कर दो, और देख लेना कि दोनों जो एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए, थोड़ा आगे पीछे नहीं होना चाहिए, इसे बैक स्पेस से जैसे थोड़ा आगे हो रहा है तो मैं पीछे कर देता हूँ। हाँ अब बराबर पे आ गया। तो आप इन दोनों साइड के जो दो छोटे छोटे कोमा है उसे रहने देना है, उसके बीच में तोशिबा लिखना है। ओके तो ये BLUE को भी मैं मिटा देता हूँ। तो एक मिनट क्या हो गया बैक स्पेस में, ओके तो इसे मैं मिटा देता हूँ। एक मिनट, मेरा कीबोर्ड का तार छूट गया था, ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। और यहाँ पे लिख देते हैं बड़ा T लिखना है, ठीक है, छोटा T नहीं लिखना, कैपिटल स्मॉल लेटर में बाकी के वर्ड लिखना है, बाकी फर्स्ट जो है वो बड़ा लिखना है। तो तोशिबा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने जो हमारी वीडियो यहाँ तक देखी। और गाइस आपका जो है अब 90% काम कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ से आपको सेव कर देना है। अब आपको क्या करना है, सेव कर दिया आपने, अब आपको क्रॉस कर देना है, यस कर देना है, ठीक है। यस करने के बाद आपको यहाँ से इसे मिनिमाइज़ कर देना है। और गाइस अब आपको थोड़ा सा काम करना है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आना है और इसको रीनेम कर देना है, जो मैंने आपको पहले कह दिया था गलती से उसे अब करना है। तो अब इसे रीनेम करते हैं, तो इसमें रीनेम का ऑप्शन कहाँ आ रहा है, रीनेम, एक मिनट है। तो ये हो गया, और अब एक मिनट, मेरे को याद नहीं आ रहा, एक मिनट है। हाँ तो आप आपको इसे कॉपी कर लेना है, ठीक है, अभी आपको इसे रीनेम नहीं करना, अभी इसे आप ओनली कॉपी कर लेना, कॉपी टू क्लिकबोर्ड, ठीक है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो मैंने नोट्स बना लिए थे पहले, मैं उसमें देखने लग गया था। इसे आपको कॉपी करके इसे मिनिमाइज़ कर देना है, और जहाँ पर अपने ड्राइवर वाले फोल्डर में गए थे वहाँ आ जाना है। अब इसको आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको आपको इसके आगे ना, हाँ रियल, अब जो मैं बार बार ओल्ड, सॉरी कह रहा था रीनेम करना है, तो एक्चुअली में रीनेम यहाँ करना है ना कि वहाँ कहीं करना था, ठीक। तो इसे हम रीनेम करेंगे, तो ओके करते हैं, यहाँ रीनेम का ऑप्शन नहीं आ रहा, सॉरी, फिर से क्लिक करते हैं राइट क्लिक करके, तो आ चुका है रीनेम का ऑप्शन। तो आपको यहाँ पर सिंपली लगा देना है OLD ओल्ड, ठीक है। तो मैंने यहाँ लगा दिया OLD ओल्ड, तो कहाँ गया यार वो ऊपर में चला गया। एक बार आपको फिर से कर देना है, इसी को ओल्ड कर देना है, आपको उस पर क्लिक करना है, रीनेम पे आना है, OLD इसमें भी लगा देना है, ठीक है। एक तो ऊपर में लगाया था हमने इससे पहले, और इसमें भी आपको OLD लगा देना है। तो मैंने इस पर क्लिक करा, तो देख सकते हैं आप OLD हो गया है, ठीक है, ये रहा। तो हमें अब क्या करना है, इसको सिंपली यहाँ पे कुछ पेस्ट करना है जो इससे पहले हमने कॉपी किया था, है ना। तो आपको आपको क्या करना है, देख सकते हैं ये दोनों चीज़ आ चुके हैं। और अब यहाँ से हम गैस, अगर आपका रीनेम ना हो रहा तो आप दो बार ट्राई करें, हो जाएगा, वैसे एक बार में ही हो जाता है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं बार बार। तो चलिए अब मैं इसे पेस्ट करता हूँ गैस। कुछ भी इसमें यही प्रॉब्लम होता है, कुछ भी करते हैं तो जल्दी से नहीं करना होता है, थोड़ा टाइम लेके करना होता है, क्योंकि ड्राइवर जो है वो इंस्टॉलिंग कर रहा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, ओके तो मैंने कंटिन्यू कर दिया, ठीक है गैस। तो हमने यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया है,
तो अब थोड़ा वेट करना है इसमें गैस, यही होता है इसलिए मैंने आपको कहा था 1-2 घंटा। अब हमें यहाँ पे ओके करना है, ठीक है। आप 1-2 घंटा निकाल के रहें, जो अब मैंने आपको कहा था ना कैंसिल करना है ना ओके करना है, तो अब उसे ओके कर देना है, ठीक है। यहाँ पेस्ट करने के बाद तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं रेडी टू यूज़ आ गया है लिखा हुआ, हम यहाँ से ओके कर देते हैं और ये अभी अपने आप ही हट जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे रिफ्रेश मार लेता हूँ एक बार। तो गाइस अब अपना काम कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट 97% हो सक, देख लो अब फिनिश का ऑप्शन आ गया है, बस अब नो कर दो या यस करोगे। नो करते हैं, बाद में करेंगे रिस्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आके कि अभी भी हमारा ब्लूटूथ जो है वो नहीं आया है, तो अब हमें कैसे लाना है। तो इन सबको नोटपैड वगैरह को क्लोज़ कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है, नोटपैड रख लो फिर भी अभी, और ये सब अभी ओपन नहीं है,